यूरोप बोले तो विन योर इंग्लिश। अगर तुसी यूरोप जाना चाहते हो, यूरोप इज़ ए फैंटास्टिक डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट इन अपकमिंग ईयर्स। अज के समय के विच कैनेडा, आस्ट्रेलिया, यूके इज़ ऑलरेडी फ्लडड विद स्टूडेंट्स। बहुत स्टूडेंट जा चुके ने, उत्थे अनएम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी वध चुकी है, वीज़ा रेशो घट चुका है, एम्बेसी ने बड़े टाइट कर दिते रूल, जिस तरह आस्ट्रेलिया 2021 वाली फाइल नहीं लगा सकते, कैनेडा का बजट 17 to 20 lakh चाहिए, न्यूजीलैंड 6 महीने पुराने 30 to 35 lakh फंड चाहिए ने। सिमिलरली यूके दे विच 15 to 18 lakh हर साल तुहानू देना पैंदा है यूनिवर्सिटी नू अपना वीज़ा ठीक रखने वास्ते। सो दोस्तों, यूरोप जिहड़ा है आने वाली डेस्टिनेशन यूरोप है, साढ़े कोल डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, माल्टा, लातविया, हंगरी, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड बहुत सारे कंट्रीज़ ने जिथे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इत्थे हले रश नहीं पिया, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ने, बड़िया बड़िया मल्टीनैशनल कंपनीज़ इन्हां दे विच इन्वेस्ट कर रही हैं। अगर आप डेनमार्क की गल करिए, डेनमार्क दे विच तुसी हसबेंड, वाइफ और बच्चे इकट्ठे जा सकते हो, सेम फ्लाइट सेम डे। प्लस टू वाला स्टूडेंट, अगर आप गल करते हैं किसी लड़की की, अगर प्लस टू कर रही है, लड़की कंप्लीट कर चुकी है, चाहे वह 2016 चाहे 2017, अगर उसके कोल मैथ है, उसके कोल कॉमर्स है या कोई होर स्ट्रीम भी है, आप उसको विद फैमिली, अगर उसकी मैरिज हो चुकी है बेटी दी और उसके बच्चे भी ने, कट्ठिया नू डेनमार्क भेज सकते हैं, सेम डे सेम फ्लाइट। 20 साल तक का गैप एक्सेप्टेबल है, कोई फंड शो करन दी लोड़ नहीं, जिस तरह आस्ट्रेलिया दे विच 3 to 6 महीने पुराने फंड दिखाने पैंदे 30 to 35 lakh। डेनमार्क दे विच प्राइमरी एप्लीकेंट नू कोई फंड दिखाने की जरूरत नहीं है, 0 fund इज़ रिक्वायर्ड। अगर कल्ला एप्लीकेंट जाता है, चाहे मास्टर प्रोग्राम दे विच, चाहे ग्रेजुएशन दे विच, उन्हां दा जिहड़ा टोटल खर्चा, बहुत घट खर्चे दे विच तुसी डेनमार्क माइग्रेट कर सकते हो। हसबेंड वाइफ जा रहे हैं, हसबेंड दा स्टडी परमिट है, प्लस वर्क परमिट मिलेगा पार्ट टाइम। जिहड़ी प्राइमरी एप्लीकेंट है उस कोले ये चीज़ा होनगियां, जे उहदा स्पाउस है उहदे कोले फुल टाइम वर्क परमिट होएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, तुहाडी वाइफ अगर स्टडी परमिट ते है, उसनू पार्ट टाइम वर्क परमिट, फुल टाइम स्टडी परमिट, स्पाउस नू फुल टाइम वर्क परमिट, और सिर्फ स्पाउस 10th पास होना चाहिदा है। 3 साल का वर्क परमिट सीधा स्पाउस नू मिल जाता है इन केस ऑफ ग्रेजुएशन। एंड मास्टर दे विच साडे कोले MBA है और टेक्निकल प्रोग्राम्स ने। सो एक बार तुसी अगर यूरोप सोच रहे हो तो विन योर इंग्लिश नू जरूर संपर्क करो, दिते गए नंबर ते संपर्क करो। यूरोप है तो विन योर इंग्लिश है।